नमस्कार, मैं गुलाब संसारी। 2 तारीख को दिल्ली में होने वाले चुनाव की प्रचार प्रसार की ये प्रक्रिया जो है थम जाएगी, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियों के प्रत्याशी जो है पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन हासिल किया जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला वार्ड नंबर 1 के पाना उद्यान में, जहाँ पर फिलहाल अभी जो है आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी श्वेता कमल खत्री की जो है जन रैली निकाली जा रही है। श्वेता कमल खत्री जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, जनता से मुलाकात कर रही है और आम आदमी पार्टी के कार्यों को जनता तक पहुंचा रही है। कहीं ना कहीं इस तरह के कामों से और इस तरह से जन संवाद करने से लोगों के बीच जो है एकमत राय बनाने की कोशिश की जाती है कि लोग जो है किसी तरह से भी उनके पार्टी से कह सकते हैं मुतासिर हो, मोटिवेट हो, उनके कार्यों तमाम कार्य जो है उन तक पहुंच पाए। इसके लिए जो है तमाम पार्टी के प्रत्याशी जो है पुरजोर कोशिश करें, सबकी बस यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन हासिल किया जाए। इसके लिए सुबह से ही जो है इस तरह की रैलियां जो है निकाली जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में भी लगभग हर गली हर कूचे की अब यही तस्वीर है, हर जगह नेता जो है प्रत्याशी जो है इसी तरह से जन संवाद करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली वासियों का एक मत ये भी है कि आज तो ये प्रत्याशी हमारे घर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाएगा, जब ये प्रक्रिया थम जाएगी, जब किसी एक पार्टी के प्रत्याशी को बतौर पार्षद चुन लिया जाएगा, उसके बाद ये प्रत्याशी ये नेता जनता की सुध लेना तो दूर, इस गली में भटकना तक भूल जाते हैं। 5 साल हो जाते हैं लेकिन इन नेताओं की कोई सुध जो है जनता को नहीं मिल पाती, ना ही जनता की परेशानियां, ना ही जनता के प्रॉब्लम्स इन तक पहुंच पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ गुलशन अंसारी, नरेला।